हत्या का खुलासा करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने 3 दिन पहले नाले से शव को बरामद किया था। बता दें कि मामला बिसंडा थाना अंतर्गत पारा बिहारी गांव का है, जहां 2 मई को नाले के नीचे एक युवक का शव देखा गया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसमें गला दबाकर हत्या करने की बात निकलकर सामने आई है। पुलिस ने हत्या आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और एक युवक को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें युवक ने बताया कि मृतक द्वारा उसके दादा और दादी को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिससे अजीज आकर युवक ने मृतक को पहले शराब पिलाए, फिर साफी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को नाले के पीछे फेंक दिया, जिसका खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेसवार्ता कर किया है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने आज प्रेसवार्ता में बताया कि मृतक द्वारा बार बार धमकी दिए जाने से हत्या आरोपी सहमा हुआ था और घर में अकेला न हो जाए इस डर से उसने मृतक की हत्या कर दी। हत्या आरोपी द्वारा उपयोग में लाए गए आला कत्ल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिनांक 2/5/2022 को थाना बिसंडा अंतर्गत ग्राम बिहारी में एक व्यक्ति का शव मिला था और घटना का सफल अनावरण करते हुए अभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर गला घोटने में प्रयुक्त साफी और मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। तब कहाँ से आरोपी मिला है, कैसे क्या है? आरोपी को उस गांव से ही पकड़ा गया है और इसमें मामला यह है कि मृतक जो है वो इसके दादा दादी को बहुत गाली गलौज जान से मारने की धमकी देता था। इसके पिता की हत्या हो गई थी, चाचा उसकी हत्या में जेल में थे, घर में इसके अलावा इसके दादा दादी थे, उनसे बहुत प्यार करता था। इसको ये डर था कि अगर इसको उनको मार देंगे तो हम अकेले रह जाएंगे। इस आशंका के चलते इसने बदला लेने की नीयत से शराब पिलाकर गला घोटकर हत्या कर ली थी। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।